हाय हेलो हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, माय न्यू व्लॉग। कितना ज़्यादा मैं फेक कर रहा हूँ, बट या आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस। ओके, वेलकम गाइस गाइस, अरे वेलकम एवरीवन। ओके, सो दिस इज़ माय न्यू वीडियो एंड आई एम डूइंग दिस वीडियो टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड मी ऑन इंस्टाग्राम। सो आई डिड दिस स्टोरी, आई अपलोडेड दिस स्टोरी लास्ट इवनिंग ऑन इंस्टाग्राम, आस्क क्वेश्चंस। सो आई गॉट, थैंक यू, इतना प्यार करते हो आप लोग मुझे। आई गॉट लाइक 4000 क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली मैं 4000 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो फिर आप लोग ये वीडियो को नहीं देख पाओगे और मैं बना भी नहीं पाऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई हैव गॉट लाइक 10 क्वेश्चंस। बहुत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग ने पूछे उनका आंसर दूंगा मैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, कान वेस्ट टाइम ना, तो जल्दी जल्दी बोलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एम आई सिंगल, एम आई डेटिंग एनी वन, एम आई मैरिड, डू हैव किड्स, कौन है मेरी गर्लफ्रेंड, क्या है। 18 महीने हो गए हैं, आई एम सिंगल, आई एम नॉट सीइंग एनी वन। कोई भी ता से या आ से जिसकी एंडिंग है, या बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है जिनका आ से नाम खत्म होता है, मोस्टली सबका ही है, हर हर सेकेंड लड़की का आ से ही होता है। आई एम नॉट डेटिंग एनी वन, नॉट सीइंग एनी वन, आई एम सिंगल। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, तो प्रोफाइल भेजो अभी। नो, आई एम सिंगल एंड या आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम नॉट रेडी टू मिंगल चिंगल पिंगल विंगल, जो भी है नहीं, कुछ नहीं करना। आई वॉन्ट वर्क, आई वॉन्ट ग्रो, आई वॉन्ट टू जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट बी अनकम्फर्टेबल एंड जस्ट डू व्हाट आई वॉन्ट टू डू एंड जस्ट ओवरकम ऑल माई फियर्स। ये मेरा फोकस है रिलेशनशिप बात में। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट एम आई डूइंग दीज डेज, व्हाट एम आई अप टू, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीवी पे क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं काम कर रहा हूँ, ये वो। सो मेरा लास्ट शो था ईश्वर जोरनी तक्षिता, एज यू गाइज नो, आप लोग को बहुत अच्छा लगता है वो शो। 2021 अगस्त में वो ख़त्म हुआ एंड देन आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक। दिस वॉज माई चॉइस, कॉन्शियस चॉइस, आई डोंट, आई डिडंट वॉन्ट टू डू टेलीविजन आफ्टर दैट, सो आई टुक अ ब्रेक। उसके बाद मैंने स्टेज किया, जो भी मुझे फॉलो करता था। मैं फेब में आ गया था 2022 इंस्टाग्राम पे, सो आई वॉज अपलोडिंग, आई वॉज डूइंग स्टेज, आई डिड अ फ्यू वर्कशॉप्स। मैं फिर एक वेब सीरीज़ कर रहा था, तिवारी नाम की, वो रिलीज़ हो जाएगी ये साल होपफुली। उससे मैंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। उसके बाद मैं अभी एक जियो का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा मई में, उसकी शूट, और मोस्टली दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर रिलीज़ हो जाएगी। तो ये है अपडेट। तो मैं टीवी इसलिए नहीं कर रहा था, ठीक है, समझ गए आप लोग, ओके। इसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ आई कि ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो बोला है जो, सर, यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी सुंदर, योर स्किन ग्लोज, ये वो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू वर्किंग आउट, थैंक यू ईटिंग हेल्दी, थैंक यू गॉड, थैंक यू आप लोग सब, ओके। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मुझे मिला है, किसने दिया है और पता नहीं, और बहुत सब्जेक्टिव है, डजेंट मैटर। अंदर की मेरी खूबसूरती देखो, अंदर की है अगर है तो, ठीक है, आई लव यू। अब उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा आप लोग ने ये बोला है कि व्हेन विल आई मीट अक्षता, व्हेन विल आई मीट प्रियंकित, व्हेन विल आई मीट हर्षिता, व्हेन विल आई मीट विक्रम, व्हेन विल आई मीट मेरे जितने भी दोस्त, महिमा। सुनो लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे भाई बंधु, मेरी गर्लफ्रेंड्स, मेरे जितने भी जो भी हो आप लोग, उनका उनकी लाइफ है, दे वेरी बिजी। समटाइम्स वी मीट, समटाइम्स वी डोंट मीट, वी डोंट हैव टाइम। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जब मिलेंगे, मौका मिलेगा, आई विल अपलोड रील्स विद प्रियंकित, विद अक्षिता, विद विक्रम, विद अंकित एंड अबू एंड जितने भी लोग हैं, महिमा। जब मिलूंगा तो मैं अपलोड कर लूँगा, ठीक है। अब वो मुझे मिलते भी है, और कभी कभी हम लोग अपलोड करते, कभी ब्लॉग बनाते, कभी नहीं बनाते। ये आंसर हो गया खत्म। ये फोर्थ सीजन टू सबके, या साडा का सीजन थ्री कब आ रहा है मुझे नहीं पता, नहीं आ रहा है शायद। ईश्वर जोरनी टू नहीं आ रहा है, हैवान टू नहीं आ रहा है, गुलाम टू नहीं आ रहा है, मरियम खान का किसी ने पूछा ही नहीं, तो बताने का मतलब साडा थ्री पता नहीं, अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की किसी ने।
मुझे पूछ रहा मैंने तड़प क्यों किया. ओके वेरी गुड क्वेश्चन. योर क्वेश्चन रियली हर्ट्स पेन्स एंड आई एम डेड. गुड क्वेश्चन. आई डिडंट नो वो ऐसा शो बनने वाला है. ठीक है, पहले तो मुझे ये बात पता नहीं थी. जब सेट पे हो भी रहा था, मुझे कुछ बोला था कि एडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए आ रहा है. हालांकि वो जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो उनका लुकआउट है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी मार्केटिंग है, जो भी है, नन ऑफ माई बिजनेस. बट आई वॉज टोल्ड समथिंग एल्स एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड एंड आई डिडंट वॉन्ट टू से एनी थिंग और डू एनी थिंग. अब जो हो गया वो हो गया, मेरी गलती है, मुझे वो सीन्स करने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि वो थोड़े से मुझे भी ऑफ लगे और वो करते टाइम मैं बहुत अनकंफर्टेबल था. तो जो भी मतलब जिन्होंने भी वो देखा है, सो आई फेल्ट अ बिट लाइक थोड़ा वाइस हो सकता था, सोच समझ के कर सकता था. बट दैट टाइम आई वांटेड टू गेट इनटू वेब एंड अभी भी वही कर रहा हूँ. और आई थॉट कि अच्छा कैरेक्टर है और मैं तो हमेशा बस आई थिंक अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द स्टोरी. I don't think so. I just want to do good work and I just want to be honest with my work. So that was my plan, but I didn't know aise ban jayega because as actors, as creative people, we don't know. There's no fixed formula. Kuch hota hai, kabhi nahi hota hai, kabhi jaise bola jata hai, wo nahi banta. Kabhi kuch bahut average sunne mein hota hai aur wo ban bahut acha jata hai. Kabhi sab kuch average hota hai lekin logo ko bahut acha lagta hai. Kabhi bahut hamara budget high hota hai aur kuch kuch samajh nahi aata. So there's no fixed formula. So हाँ, तो मेरा ये तड़प के बारे में ये था. हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. आई हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स. सबको पता है वो कौन है. और पांच छह लोग हैं, उनमें से तीन ज़्यादा क्लोज है. उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बाकी तीन मुझे मारेंगे. बट सबसे क्लोज अगर कोई है वो मैं खुद हूँ. आई एम माई ओन बेस्ट फ्रेंड. एंड ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं सच में आई लुक आफ्टर माई सेल्फ. एंड ये कोई ज्ञान की बात नहीं है या कुछ नहीं है, बट रियली मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ. मैं अपना ख्याल आराम से रख लेता हूँ. मुझे लोग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अपने साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है. सो मुझे ऐसा लगता है, ना ही मैं किसी के पास जाता हूँ एडवाइस के लिए, ना ही मैं किसी से कन्फाइड करता हूँ, ना ही मैं अपनी पेन और वो सब शेयर करता हूँ. मस्ती में मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, बट आई डोंट हैव एनी वन जिसके साथ मैं इमोशनल हो जाऊंगा या सेल्फ पिटी करूंगा, या नहीं करता मैं ना फैमिली के साथ ना दोस्तों के साथ. मैं ठीक हूँ. आई एम अ गाय हु इज स्ट्रॉन्ग. समटाइम्स आई एम वल्नरेबल, समटाइम्स क्या, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि हाउ डू यू डील विद रिजेक्शंस. अरे इट्स पेनफुल यार, इट्स डिफिकल्ट. इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ व्हाट इट इज़. बट एज आई सेड, इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड it's my line of business and life is like that yaar. Life is not supposed to be like rainbow and sunshine and sipping martini on a beach and just chilling. No, you have to go through hurdles and you have to go through uncomfortable situations. It's all right. But matlab I don't want to compare. Main duniya mein dekhta hu kya raha hai. I'm so grateful yaar, to koi aisi problem nahi. Also I am doing something what I enjoy doing and what I love doing and I can't do anything else. So I'm okay with taking rejections or whatever. मेरे हाथ क्यों हिलते इतने. हाँ, आई एम ओके विद ऑल ऑफ दैट एंड इसलिए मैं ज़्यादा ऐसा होता ही नहीं हूँ इतना दुखी और मैं पागल और कुछ. कभी कभी होता भी हूँ तो आई गो इन माई शेल एंड आई डों आई सब सबको कुछ ना कुछ हो रहा है. फेवरेट कलर ब्लू, ब्लैक, वाइट. फेवरेट फिल्म, फेवरेट फिल्म आई थिंक जो जीता वही सिकंदर. इंडिया, इंडियन फिल्म. एंड अंदाज अपना अपना, रंगीला, लगान, ये सारी फिल्में थोड़ी जो पुरानी फिल्म है मुझे बहुत अच्छी लगती थी. एंड देन इंग्लिश फिल्म्स, टर्मिनेटर टू, जजमेंट डे, टॉम क्रूज की सारी फिल्म्स, मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन और स्कारफेस, रेजिंग बुल, वो जितनी भी क्लासिक्स है. कल मैंने मिजरी देखी, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया देख के. मैं कोई सीरीज़ नहीं देख रहा हूँ. ये भी एक क्वेश्चन था कि व्हाट सीरीज़ आई एम बिंजिंग ऑन दीज डेज. आई डोंट वॉच सीरीज़, आई वॉच सिनेमा. क्योंकि सीरीज़ का देखने का मेरा पेशेंस ही नहीं है. जैसे ये वीडियो देखने का आप लोग का पेशेंस थोड़ा कम हो रहा होगा अभी तक, तो मेरा भी पेशेंस इतना है नहीं. सो आई डोंट वॉच सीरीज़ ज़्यादा. मैंने फर्जी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी.
और उसके बाद मैंने कोई सीरीज देखी, ओ मैंने वो देखी थी बीफ ऑन नेटफ्लिक्स, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया था मुझे वो देख के. बट मैं मोस्टली डेली एक फिल्म देखता हूँ. कौन सी बुक है जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करके चली गई, उसका नाम है ट्यूजडेज विद मोरी. बहुत ही अच्छी बुक है, मेरी एक फ्रेंड है नेहा, नेहा व्यासो, उसने मुझे दी थी एंड इट इज आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया था वो पढ़ के. ओके, फेवरेट फूड पहले चाइनीज़ था, अब दाल चावल है. अच्छा सुना बोला दाल चावल. फेवरेट डेस्टिनेशन माय स्टूडियो. नीचे ना मैंने एक स्टूडियो बनाया मेरे घर, आज को ना मैंने अपनी एक स्पेस बनाई है, वहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ. मेडिटेशन मेरा सबसे अच्छा टाइम भी है दिन, जो पूरे दिन में मेरा जो मेडिटेशन का टाइम है वो सबसे मज़ा आता है मुझे करने में. तो मेरा गैराज, मेरा स्टूडियो, मेरी स्पेस मुझे सबसे अच्छी लगती है. आई एम अ बीच गाय. ओके, आई एम अ बीच पर्सन. बहुत लड़कियों ने मुझे बोला विल यू मैरी मी एंड आई वॉन्ट टू सी यू, और लड़कों ने बोला आई वॉन्ट टू मीट यू. मैं मुंबई में रहता हूँ, अंधेरी में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, हाई पॉइंट की लेन है लास्ट बिल्डिंग, जिसको आने आ जाओ. ओके, कभी भी मिलना है, मैं घर पे होऊंगा तो मैं मिल लूँगा, आओ, झप्पी दे दूँगा, दो सेल्फी दे दूँगा और बस, ठीक है. तो ये कभी भी कर सकते हो, मेरे घर पे कोई उठ गया. फिर उसके बाद मुझसे लोगों ने पूछा है हु इज़ माई क्रश. आई डोंट हैव एनी क्रश और क्रश, आई एम नॉट, आई डोंट फैंसी एनी वन, एनी गर्ल राइट नाउ. नो नो नो, आई डोंट. किसी ने मुझसे पूछा है कि हैव यू मेट योर डोपलगैंगर. नो, आई हैवंट. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन माय 20s, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स और पीपल आई यूज्ड टू मीट, दे यूज्ड टू कंपेयर मी विद ऑलमोस्ट एवरी सेकंड एक्टर. बट मुझे नहीं लगता मैं किसके जैसे दिखता हूँ और कोई मेरे जैसा दिखता है. हम सब अलग दिखते हैं और अलग ही दिखना चाहिए. ऊपर वाले की यही ब्यूटी है कि हम 8 बिलियन लोगों को अलग अलग बनाए, अलग अलग हाथ. तो आई हैव बीन मेट. आप लोग बताओ अगर मैं किसी के जैसा दिखता हूँ तो. ओके गाइस, 14 मिनट्स हो गए, ठीक है. दिस वॉज, आई डोंट वॉन्ट टू से पार्ट वन, बट अगर मुझे मन किया तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. आई एम लविंग माई यूट्यूब जर्नी. आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट बट आई एम लविंग इट. आई होप यू गाइस आर लविंग इट एंड मैं सब कुछ करूँगा. मैं आई प्रोमिस यू आई ट्राई एवरी थिंग. मैं बहुत जल्दी अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू डू एवरी थिंग व्हाट आई कैन डू. ऑल्सो आई डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट माई स्किन एंड माई हेयर एंड माई फूड. वो मैंने ऑलरेडी उसके ब्लॉग्स बना दिए, उसकी वीडियोज़ बनाए. प्लीज़ गो चेक इट आउट ऑन परम सिंह करना क्या है. डू सब्सक्राइब. फाइनली आई हैव टू से दिस एंड कॉमेंट एंड लाइक एंड आई लव यू एंड आई प्रोमिस यू मैं बनाते रहूँगा, ठीक है. आई लव यू. बाय 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 बाय.